यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। युद्ध के 575वें दिन बाजी पलट गई है पूरी तरह से। यूक्रेन के दो हमलों से बैकफुट पर है रूस। एक हमले में 18 रूसी फाइटर जेट राख हो गए हैं और दूसरे हमले में नेवल बेस मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। एक हमले में 18 रूसी फाइटर जेट किस तरह से राख हुए हैं, इसके अलावा एक दूसरे हमले में भी नेवल बेस मुख्यालय रूस का ध्वस्त कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से। यानी यूक्रेन पूरी तरह से बाजी को पलटने की कोशिश में लगा हुआ है और उसे सफलता भी मिल रही है। तो क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स लगातार भीषण हमले कर रही है। ये हमले 24 घंटे से जारी हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एयरबेस और ब्लैक सी फ्लीट के कमांड सेंटर हैं। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रीमिया में बहुत बड़े विध्वंस को अंजाम दे दिया है। रूस का साकी एयरबेस करीब करीब जल चुका है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया सफल कैसे हुआ? ज़ेलेंस्की सेना अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गई? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? चौबीस घंटे में युद्ध का बादशाह पूरी तरह से पलट गया है। सिर्फ एक दिन में यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। क्रीमिया में ऐसा विध्वंस हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रुस्तम का ऑपरेशन क्रीमिया सफल हो गया है। क्रीमिया में आधी रात को जो कुछ हुआ उसने महाविनाश का सबसे बड़ा और तेज सायरन बजा दिया है। क्रीमिया में रूसी सेना को इतनी बड़ी चोट पहुंची है कि अब पुतिन के पास परमाणु हमले के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बाईस सितंबर 2023 रात के अंधेरे में क्रीमिया की धरती एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी। यूक्रेनी फोर्स ने नेपच्यून मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा और भीषण प्रहार किया। ये मिसाइलें क्रीमिया में रूस के साकी एयरबेस पर जाकर गिरी और इसी के साथ बहुत बड़ा विनाश हो गया। इस हमले में साकी एयरबेस पर मौजूद रूस के 18 लड़ाकू विमान, 4 एयर डिफेंस सिस्टम, 9 ड्रोन बेस और रूसी एयरफोर्स के 30 अधिकारी खत्म हो गए। सवाल यही है कि रूस के अभेद्य किले को यूक्रेन ने कैसे भेद दिया? क्रीमिया में इतना बड़ा हमला सफल कैसे हो गया? दरअसल यूक्रेनी फोर्स ने हमले का तरीका बदल दिया है। क्रीमिया पर वो नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना पहले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा रही है और उसके बाद मिसाइल से हमले कर रही है। ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइल, ये वही तीन अस्त्र हैं रूसी एयर डिफेंस जिसकी चाल और जाल में फंस गए।
यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुख्य हमले से पहले यूक्रेनी सेना ने बड़ी तादाद में ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइलें दागी। ऐसा करते ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में जैसे ही एंगेज हुए, यूक्रेनी सेना ने नेपच्यून मिसाइल से मुख्य हमला कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि मॉस्को भी दहल उठा है। यूक्रेन के विस्फोट से क्रीमिया में रूसी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। रूस को जो नुकसान पहुंचा है वो परमाणु घमासान की वजह बन सकता है। ये क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस का साकी एयरबेस करीब करीब भस्म हो चुका है। यहां मौजूद ज्यादातर फाइटर जेट जल चुके हैं। अब तक नुकसान का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक साकी एयरबेस पर मौजूद रूस के 12 सुखोई 24 विमान और 6 सुखोई 30 विमान बर्बाद हो गए, यानी रूस को कुल 18 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, एयरबेस पर पंचीर एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात थे। हमले में 3 पंचीर और 1 S-400 जलकर खाक हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस के 5 ड्रोन बेस और 4 हथियार गोदाम भी भस्म हो चुके हैं। हमले में साकी एयरबेस पर ही मौजूद ईरानी मुहाजिर ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी एयरफोर्स के 30 से ज्यादा जवान भी मारे गए हैं। ये तो शुरुआती आंकड़ा है, जांच के बाद नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। साकी एयरबेस पर कितनी बड़ी तबाही हुई है इसका सैटेलाइट सबूत भी आ गया है। सैटेलाइट तस्वीर में रूस के करीब 18 एयरक्राफ्ट तबाह नजर आ रहे हैं। साकी एयरबेस पर रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है अब इसे सैटेलाइट तस्वीरों में दर्ज सबूतों के आधार पर समझिए। धमाके के बाद टैक्सी वे पर मलबा नजर आ रहा है। यहां पहले रूस का एयरक्राफ्ट था जो अब बर्बाद हो चुका है। दूसरी तरफ मौजूद टैक्सी वे पर भी भारी मलबा दिख रहा है। तस्वीर में 2 सुखोई 24 विमान भी तबाह नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर बर्बाद एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के बीचों बीच जो तबाही दिख रही है वहां पहले 3 पंचीर एयर डिफेंस सिस्टम थे, हमले में 3 बर्बाद हो गए। रूसी सेना को इतना बड़ा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि यूक्रेनी सेना अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। ये प्लान क्रीमिया ऑपरेशन के एक्सपर्ट यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने तैयार किया है। यूक्रेनी फोर्स सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागती है, इससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ही ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जवाबी फायर करता है, ठीक उसी वक्त यूक्रेन मुख्य हमला कर देता है। और इस तरह यूक्रेन की मिसाइल न सिर्फ सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाती है बल्कि टारगेट को तबाह करने में कामयाब हो जाती है।
यूक्रेनी सेना आजकल इसी स्टाइल में हमले कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के रिपोर्ट के मुताबिक इसी तकनीक के जरिए यूक्रेनी फोर्स अब तक अलग अलग जगहों पर रूस के 6S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी कमांडर जोश कज़लोव का दावा है कि पेंटागन अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या सच में ऐसा है? क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका है, इसीलिए यूक्रेन के हमले कामयाब हो रहे हैं? सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन का ये हमला कामयाब क्यों हुआ, इस सफलता के कारण क्या है? इसको लेकर 5 थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जिससे यूक्रेन का हमला सफल हो गया। दूसरी थ्योरी ऐलान कर रही है कि अमेरिका ने रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया, यही वजह है कि यूक्रेन की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। तीसरी थ्योरी ये दावा कर रही है कि यूक्रेन नए और घातक तरीके से हमला कर रहा है, ये वो हमला है जिसके लिए रूसी फौज तैयार नहीं है। चौथी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन के नए वॉर प्लान के खिलाफ रूसी सेना के पास कोई रणनीति नहीं है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पा रही है। पांचवी और आखिरी थ्योरी कह रही है कि रूसी सेना में यूक्रेन के जासूस हैं जो कीव को रूस की हर रणनीति की जानकारी दे रहे हैं। इसी जानकारी का इस्तेमाल कर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया को टारगेट कर रही है। हालांकि इसमें से कौन सी थ्योरी सच है, इसकी अभी सही और सटीक जानकारी नहीं सामने आई है। क्रीमिया में यूक्रेन लगातार मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। साकी एयरबेस के बाद यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया। सेवस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भीषण हमला हुआ। ये तस्वीर उसी हमले के बाद की है। रूसी नेवी के मुख्यालय पर भी यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से धावा बोला। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका सबूत आपके सामने है। आसमान से मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ, इसके बाद हेडक्वार्टर में भीषण आग लग गई। आसमान बारूदी धुएं से भर गया। यूक्रेन के इस हमले में रूसी नेवी को कितना नुकसान पहुंचा है अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। यूक्रेन के हमले से लगातार मिल रही चोट से क्रेमलिन आग बबूला है। पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु विनाश की नई धमकी दे दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पुतिन परमाणु प्रतिशोध लेने वाले हैं। एटमी विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन का नामो निशान खत्म करने वाला विस्फोट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।